हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के रोड मैप के बारे में कि यदि आप पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पाइथन को सीखेंगे। इस पूरे डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से फोकस्ड होकर समझिएगा, क्योंकि देखिए पाइथन को जब आप सीखना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में रहेंगे, क्योंकि आज पाइथन मल्टीपल एरियाज में वर्क कर रहा है। लाइक use python for web development, we use python for data science applications, we use python for desktop application, GUI application, right? तो ये जो areas हैं, sir, which is the best area, किस तरीके से हम इन areas में जा सकते हैं, और ये तो भी मैंने कुछ areas की बात की है। लेकिन यदि आप beginner हैं और अगर आप python को शुरू कर रहे हैं तो आप देखिए यहां दो केस हो सकते हैं। या तो देर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने पहले से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लाइक C++ पढ़ा है, एंड देन दे आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ पाइथन, और या फिर वो स्टूडेंट जो बिगिनर है और जो फर्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन को पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप एज अ बिगिनर हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन को पढ़ रहे हैं, सो दैट इज अ बेस्ट एडवांटेज फॉर यू। वो इसलिए क्योंकि जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है वो थोड़े से सिंटेक्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस के अपने सिंटेक्स होते हैं, ठीक है, कि जहां पर आप सेमीकॉलन यूज करते हैं, जहां पर आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, और अगर आप काफी टाइम से उस लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो आपकी एक हैबिट हो गई है, तो आपको थोड़ा सा पाइथन में शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सी और सी प्लस प्लस के सिंटेक्स क्या है, राइट। तो यहां पर आप देखिए बात दोनों की, देयर आर सम प्रॉब्लम यू फेस इन द स्टार्टिंग, ये मैंने कहा है सी और सी प्लस प्लस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को, राइट। तो जब हम पाइथन को शुरू करें तो सबसे पहले आप ये समझिए, पाइथन को पहले पूरा स्टडी करिए, समझिए कि एग्जैक्टली पाइथन आपको कहां पे लेके जाएगी, राइट। तो यहां पर आप देखिए पाइथन को समझने के लिए आप सबसे पहला फोकस करें कोर पाइथन पे। फर्स्ट विल गो फॉर अ कोर पाइथन कॉन्सेप्ट, राइट। कोर पाइथन आपको यह बताएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ पाइथन एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल इन पाइथन, राइट। कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप शुरू करते हैं ना तो आपको सबसे पहले उसके कोर कॉन्सेप्ट समझने हैं कि इसमें डेटा टाइप कौन से हैं, इसमें लूप कौन कौन से अवेलेबल हैं, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से अप्लाई होती है। ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे, छोटे छोटे से प्रोग्राम जब आप बनाएंगे, तब आप जरा पाइथन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट, फिर आप जाइए सेकेंड स्टेप में, पाइथन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। लर्न पाइथन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ पाइथन में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को समझना है, लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे जब आप पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत में जो पाइथन आप पढ़ेंगे दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आप पाइथन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पाइथन इज अ लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इट इज नॉट लाइक ए जावा कि जहां पर विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। शुरुआत में देयर इज नो नीड टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बट यस आफ्टर 10-15 डेज जब आप कोर पाइथन के स्ट्रक्चर वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे देन यू रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। आफ्टर लर्निंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पाइथन, फिर आप आइए इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, है ना। यहां तक आने के बाद अब आपको पाइथन का एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, आप समझ लेंगे कि पाइथन में किस तरीके से कोडिंग होती है, फिर आप ट्राई करिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, कि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को पाइथन में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। लाइक डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है सो डोंट वरी, यहां पर आपको पाइथन में कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना बताएंगे, राइट। लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये वो तरीके हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं पाइथन में। एंड देयर आर सम मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल, ये मैंने कुछ नाम अभी आपको लिए यहां पे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, जिस पर आप नेक्स्ट स्टेप में जाइए। जब आप इस पूरे, इसके बाद आपको जाना है फाइल हैंडलिंग, देन स्टेप बाय स्टेप आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आप इन स्टेप से होके निकलेंगे तो फिर आपको फोकस करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, मल्टी थ्रेडिंग पे, ओके। एंड दिस इज व्हाट योर कंप्लीट कोर पाइथन इज डन,
कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, जिसमें से मैंने आपको नाम फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देन डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन इन पायथन, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पायथन, फाइल हैंडलिंग, कोर पायथन कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से कोर कॉन्सेप्ट जो आपको पायथन में पढ़ना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑल दिस थिंग, ये हो गया आपका कंप्लीट पहला फेज, कि जहां पर आपने कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कोर पायथन को समझ लिया, पायथन को आपने समझ लिया, अब यहां पर कोशिश करिए कि जितना आपने पढ़ा है उसको लेके एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट आप डेवलप करें, ठीक है, जितना आपने पढ़ा आप सोचिए कि किस तरीके के प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हैं, और यदि डाउट है सो डोंट वरी, पायथन का पूरा कोर्स डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, कोर पायथन एज वेल एज एडवांस पायथन, जिस पर अभी मैं आने वाला हूं, प्रोजेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, डे वन से मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूं कि डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक कोर्सेज ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू, राइट, तो ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट करें। देखिए मैंने अपनी तरफ से इस पूरे कोर्स में मैक्सिमम चीजों को कवर किया है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो शायद मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या नई चीज एड ऑन करना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है, हो सकता है मैं कोई चीज भूल गया हूं तो आप याद दिला दीजिए, है ना, तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए मुझे कि इसके अलावा आप और क्या इसमें नई चीज एड ऑन करना चाहते हैं। इसके बाद आप डिसाइड करें कि अब आपको किस ट्रैक पे जाना है, क्योंकि यहां से पायथन के मल्टीपल ट्रैक आपके लिए ओपन होंगे, राइट। यदि आपको लगता है कि आपको बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट जाना है, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आपको इस फील्ड में जाना है, डेटा साइंस फील्ड में, राइट, देन फोकस ऑन ओनली दोज लाइब्रेरीज, क्योंकि यहां तक जब आप पायथन पढ़ लेंगे ना तो आप कुछ टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो जाएंगे, लाइक लाइब्रेरीज क्या होती है, एपीआईज क्या होती है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, केवल उन लाइब्रेरीज पे फोकस करना है जो आपको डेटा साइंस में लेके जाएंगे, राइट, जिसमें से अगर हम बात करें सो नम पाई पांडास, ठीक है, नम पाई पांडास, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो आपको पढ़ना है अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, अगर आप एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि पायथन इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज टू बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर, राइट, अगर आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना है, ठीक है, तो यहां पर पायथन इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, लेकिन उसके लिए आपको जिन लाइब्रेरी पे फोकस करना है नम पाई पांडास। इसके बाद आता है बात कि जब आप नम पाई पांडास को यूज करेंगे तो आप डेटा एनालिसिस क्या होता है इसको समझेंगे, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर बात आती है डेटा विजुअलाइजेशन की, और जब डेटा विजुअलाइजेशन की बात आती है मतलब यदि आपने कोई डेटा एनालिसिस किया है तो आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, ग्राफ के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, तो यहां पर फिर आपको दो लाइब्रेरी पे फोकस करना होता है, वन इज मैटप्लॉटलिब, ठीक है, एंड सेकंड इज सीबोन, ये दो लाइब्रेरीज पर आप फोकस करेंगे, ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्टली कंप्लीट पैकेज टू बिकम अ डेटा साइंस, राइट, कि आप नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब सीबोन इन लाइब्रेरीज पे फोकस करें इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरली पायथन को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम इसी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर हमने पायथन को पढ़ा है, लेकिन यदि इस फील्ड में जाना है सो दिस इज व्हाट द थिंग्स यू नीड टू फोकस, राइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, कि नहीं सर मुझे आगे जाके वेब डेवलपर बनना है, ठीक है, कि मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है, आई डोंट वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स में मुझे नहीं जाना है, तो फिर अगर आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं सो वेब डेवलपमेंट में देयर इज एन ऑप्शन कि यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा डी जेंगो पे, ठीक है, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन डी जेंगो, कि आपको पायथन में सीखना पड़ेगा डी जेंगो, डी जेंगो इज अ फ्रेमवर्क जिसको यूज करके हम पायथन में वेब डेवलपमेंट को परफॉर्म करते हैं, या वी डिजाइन अ वेब डेवलपमेंट इन पायथन, बट फॉर दैट यू हैव टू नॉलेज अबाउट द डी जेंगो, तो बीइंग अ वेब डेवलपर आपको क्या फोकस करना है, डी जेंगो पे फोकस करना है, राइट, जो आपको ये भी सिखाएगा कि हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट विद द डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग, है ना, सारे पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो डिजाइनिंग से लेके डेटाबेस तक सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा, तो यदि आपको वेब डेवलपर बनना है बीइंग अ पायथन डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, राइट, यदि आपको लगता है कि सर मुझे जीयूआई डेवलपर बनना है मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आई नीड टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन पायथन, कि सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक कैलकुलेटर्स नोटपैड या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब आपको एक, देखिए दुनिया का हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होता है ये तो आपको पता है,
अगर मान लो किसी पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी की मेडिकल शॉप है और आपको उस मेडिकल शॉप के लिए एक अकाउंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप थोड़ी ना वेबसाइट बनाएंगे या आप थोड़ी ना डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाएंगे। तो यहां पर आपको पाइथन में ऑप्शन मिलेगा, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड किंटर, ठीक है, कि जहां पर आप फोकस करेंगे किंटर पे, राइट। तो ये किंटर आपको ऑप्शंस बताता है हाउ टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन पाइथन, की पाइथन को यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसको समवेयर सी के टी के इंटर भी कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ किंटर, राइट। तो दिस इज अनदर लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन टू डेवलप अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहां पर आप देखिए डेटा साइंस में आपके लिए पाइथन में ऑप्शन अवेलेबल है, वेब डेवलपमेंट आपके लिए पाइथन में ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको जीयूआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है जस्ट गो विद दिस, आपके लिए पाइथन में ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और यदि आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ गेमिंग डेवलपर, राइट, सो अगेन देयर इज अ ह्यूज लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन, सो बीइंग अ गेमिंग डेवलपर। तो यदि आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट गेमिंग डेवलपमेंट में है, तो आप केवल उन लाइब्रेरीज पे फोकस करें पाइथन में जो गेमिंग डेवलपमेंट के लिए आपको फ्यूचर में यूज में आएंगे। तो ये सारी लाइन आपके लिए कब ओपन होंगी, व्हेन यू नो द कोर पाइथन कॉन्सेप्ट, कि जब आप कोर पाइथन पढ़ेंगे, जब आप पाइथन को समझेंगे, जब आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको पहली स्टेप में कोर पाइथन को कंप्लीट करना है, देन आफ्टर यू डिसाइड कि आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको गेमिंग एप्लीकेशन में जाना है, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है, पाइथन इज वन सिंगल लैंग्वेज वो प्रोवाइड यू ऑल दिस ऑप्शंस। तो ये आप एक रोडमैप को फॉलो करें और ये पूरे कोर्सेज आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। आप जाइए डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे, ऑल दिस कोर्सेज मैटप्लॉटलिब NumPy, पांडा, सबके इंडिविजुअल कोर्सेज आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट में मिलेंगे, गेमिंग एप्लीकेशन इन पाइथन, प्रोजेक्ट इन पाइथन, ठीक है। और एक बार जिस एरिया में आप जाएं, ये जरूर कोशिश करिए कि जब आपने NumPy पांडास को कंप्लीट किया, जब आपने, यदि मान लो आपको लगता है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपने डी जेंगो को कंप्लीट किया, ओके, स्टार्ट टू वर्किंग प्रोजेक्ट, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आप अपने लर्निंग फेज में बनाएंगे, आपका रिज्यूम उतना परफेक्ट, उतना हेवी होते जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सब कुछ बयां कर देता है, ठीक है, कि आपने कितनी डिटेल में टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। तो ट्राई करिए हर एक स्टेप पे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाने की। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।